हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई की क्लास सेकंड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीबीएसई के बोर्ड में सीधा ठोक के पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जो आपको ट्रिक्स के साथ बहुत ही इजी में बताऊंगा और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरे चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन आपको लॉग से ले रखा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन क्या है, x log x और 2 प्लस x के स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दे रखा है, ठीक है ना, 25 दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 का। देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए 2 प्लस x का स्क्वायर करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, log x के पावर बेस x इज इक्वल टू 25। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसको क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर उसके बाद प्लस 4x इज इक्वल टू 25। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको क्या करोगे, अब देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स एक्स प्लस 7 माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आएगी, 3 आएगी, एक माइनस 7 आएगी, ठीक है ना, माइनस 7 आएगी। तो ध्यान रखना हमेशा निगेटिव वाले को, जो निगेटिव वाला है वो तो होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो आपका पॉजिटिव जो 3 होगा ना वो राइट आंसर होगा। तो जो भी ऑप्शन में आपके x इज इक्वल टू 3 दे रखा होगा ना, उसको टिक मारेंगे और कहेंगे गर्दा उड़ा दिया बे। देख रहे हो क्वेश्चन पूरे इजी वे में सॉल्यूशन करवा रहा हूं, बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ऐसे से क्वेश्चन को। और ऐसे से क्वेश्चन को अगर आप ठोक नहीं बजा रहे हो ना, ये आपकी प्रॉब्लम है। पूरे एनडीए के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, ये क्लास 12 के तो सीधा ठोक के पूछा जाएगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबा। देखो तगड़े तरीके से बताएंगे हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से इसको नोट डाउन करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर टू को पूरे एक सेकंड में नहीं सॉल्व करवाया ना तो फिर पढ़ाना छोड़ दूंगा, सीधा ठोक बजा के बोलता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन टू, बस इसको लिखने दो क्वेश्चन को, उसके बाद इसका तो सत्य है, सीधा ठोक बजा देंगे। देखो dx, अब इसको क्या करना है पता है, कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई टू, 1/2 इसका आंसर होगा, जैसा भी फॉर्मेट आज चिल्ला चिल्ला के सीधा बोल रहा है आंसर, मुझे टिक मारो, ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू लिए इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया, लॉन्ग में सीधा 3 नंबर में आया, ठोक बजा दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं है ना, उड़ा दिया ना 2 क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, बात करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया ना, आपकी हवा गायब हो जाएगी सीधी बात, अगर इसको नहीं कल पहले कभी बनाया हो तो। देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 3rd, इसको स्टार लगा लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 3rd पे, तगड़े तरीके से बताऊंगा, हल्के वाले ट्रिक से, टेंशन बिल्कुल ना लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे उड़ाते हैं पूरे, वैसे उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलेगा भाई मुझे तो छोड़ दो ना कम से कम, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ेंगे रे पुष्पा। देखो मिनिमम वैल्यू बोल रहा है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, 2 1 माइनस एक्स प्लस 2 3 प्लस एक्स। एक प्रॉपर्टीज देखो, ये भले क्वेश्चन ना बहुत आसान हो, आपको लग रहा हो कैसे बनेगा भाई, तो हमने एक चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि am इज ग्रेटर देन gm, परे हो ना, इतना तो समझ में आता है ना, am इज ग्रेटर देन gm से। तो देखो अब क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पे कुछ नहीं करना है मेरे भाई, gm इज इक्वल टू क्या होता है, gm इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ab होता है। तो यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगाएंगे, देखो यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2, सबसे पहले करते हैं क्या, दोनों में 2 कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को साथ लिख लेते हैं, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लिख दिया मैंने। तो दोनों का जब बेस सेम हो तो दोनों का जो पावर, वो जो पावर होगा वो ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर लिया मैंने। और ऐड करने के बाद कितना है, 1, उसके बाद माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा, प्लस 3 प्लस एक्स, ठीक है ना, इतना तो समझ में आपको आ गया होगा। हाँ बोलो गुरु जी, समझ में आया कि नहीं मेरे भाई,
जल्दी से कमेंट सेक्शन में ठोको ना, समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पर टू हो जाएगा और यहाँ पर टू हो जाएगा, और एक चीज आपने भी मिस्टेक की, मैंने भी मिस्टेक की, देखो दो कॉमन बाहर निकल गया, उसके बाद देखो यहाँ पर टू, उसके बाद ए बी होता है, ए बी होता है, तो देखो यहाँ पर टू और ए बी की जगह वन माइनस एक्स प्लस टू के पावर क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में इसके बाद क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, उसके बाद फिर क्वेश्चन को ठोक बजाते, जल्दी से बताओ। आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे और कभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, टॉप टैकल नहीं कर पाओगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आपको समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए। अब देखो आपको समझ में नहीं आया होगा ना, हमको पहले ही पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, लेकिन इसका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से सिखा देता हूँ। देखो क्या करना है, देखिए एम इज ग्रेटर देन जीएम होता है, और देखो एम इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, ए प्लस बी बाई टू होता है ना, और जीएम इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए बी, ये होता है ना। तो देखो अगर हम इस दोनों के ऐड करते हैं ना, किसको ऐड करते हैं भैया, इसको ऐड करते हैं, मान लीजिए वन माइनस एक्स प्लस टू थ्री प्लस एक्स, यही दे रखा है ना, यही दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो यहाँ पर टू आएगा। अब बोलो गुरुजी टू कैसे आएगा, पूछो ना हमसे पूछो, क्योंकि ये ए प्लस बी है, इसके नीचे टू एक छुपा हुआ है। देखो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, एम इज ग्रेटर देन जी एम किया ना मैंने, देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज को लगाया मैंने, ये तो आपको पता होना चाहिए, यहां से देखो यहां पर समझो, समझ में आया यहां तक। देखो अब क्या किया मैंने, नीचे को इरेज करता हूं, नीचे को इरेज करता हूं, उसके बाद तहलका मचाते हैं पूरे तहल के तरीके से। देखो यहां पर दो हो गया, अब वन माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना, उसका टू थ्री प्लस एक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा। ये तो गुरु जी, हाँ गुरु जी, इतना मुझे समझ में आ गया। अब समझ में जब इतना आ गया मेरे भाई, तो अब क्या कर सकते हो, यहां पर टू और पावर दोनों का सेम है तो बेस ऐड हो जाएगा, वन माइनस एक्स और प्लस थ्री, उसका प्लस एक्स, अब ये तो ये कट जाएंगे, इसका तो कोई रोक नहीं सकता। अब इसी की वैल्यू पूछ रही है ना आपसे, इसी की वैल्यू पूछ रही है आपसे, इसी की वैल्यू पूछ रही है ना, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है यहां पर। देखो यहां पर, यहां पर टू और तीन एक चार हो जाएगा, चार होने के बाद क्या हो जाएगा, टू और दो के पावर चार हो जाएगा, था दो के पावर दो इंटू दो के पावर दो लिख सकते हो, तो दो इंटू इसमें से दो निकला, इसमें से दो निकला, तो क्या आ जाएगा, आठ आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में होगा ना, टू वन माइनस एक्स प्लस टू थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एट, और एट जिसमें भी होगा ना, जिसमें भी होगा ग्रेटर देन एट, तो एट इसका राइट आंसर होगा, एट जिसमें भी होगा ना उसको टिक मारो और बोलो जय श्री राम। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाएगा मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चन ना पांच नंबर के होते हैं, बहुत टफ होते हैं। सर गुरुजी बहुत टफ है, टफ कहाँ है बता, इसको रफ कर दिया, एम ग्रेटर देन जी एम, एम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू होता है, जी एम इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी होता है। देखो इतना समझने के बाद देखो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एम इज इक्वल टू दोनों का इतना होता है, होता है ना ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू कर दिया और ये टू फेंक दिया, और ए बी है, दोनों का पावर, दोनों का बेस सेम है तो उसका पावर ऐड होगा, पावर ऐड करने के बाद एट आ गया, एट जिस भी ऑप्शन उसको टिक मारो और चिल्ला चिल्ला के बोलो जय महाकाल, क्वेश्चन को ठोक बजा दी गुरु जी आपने। अब क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, एक सेकेंड में करवाऊंगा, एक सेकेंड में, टेंशन ना लो, एक सेकेंड में करवाऊंगा, एक सेकेंड में क्वेश्चन नंबर फोर को ठोक बजाएंगे, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर की औकात भैया, क्वेश्चन नंबर फोर भी अब चिल्लाने लगा, अब बोलेगा मुझे एक सेकंड में क्यों ठोक रहे हो गुरुजी, लेकिन मैं तो इसको ठोकूंगा एक सेकंड में, और हमें तो बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, अगर आपके पास मात्र टाइम हो दो सेकंड, फिर भी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन, अभी मैं ये क्वेश्चन लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप सोच रहे हो गुरुजी आप तो बोलते हो एक सेकेंड, लेकिन होता नहीं है एक सेकेंड, टेंशन नहीं लो, अभी इसको हल्के तरीके से उड़ाएंगे, पूरे गर्दा उड़ा देंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन का। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो भैया, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन की ना कोई औकात नहीं है। देखो यहाँ पर जब भी ए प्लस वन बाई ए रहे तो आपका इसकी वैल्यू होती है टू कॉस थीटा। अब बोला गुरु जी ठीक है ये तो हमें समझ में आ गया, मगर अगर वहीं पर ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू रहे
तो क्या होगा पता है, जो आपकी वैल्यू ये है ना टू, वो भी टू होगा। कॉस यहां पर इन लिख लो, सबसे बढ़िया इन लिख लो, इन लिख लो और यहां इन लिख लो, आपका कहानी जो भी होगा ना समाप्त हो जाएगा। जो कांस्टेंट यहां पे जो रहेगा ना कांस्टेंट, वही कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई भी के यहां पर रहेगा ना वही सेम होगा, कभी चेंज ही ना होगा, जो चेंज कभी ना होगा। यहाँ टू है तो यहाँ पर टू लिख लो, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो ये क्वेश्चन को देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 1/2 a 1+a। अबे भैया कुछ नहीं किया, इसको ना इधर फेंक के लिख दिया है, ये लिख दिया है, वही चीज मैंने लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे 1/2 ले लो। तो आपसे पूछे, आपसे चिल्ला चिल्ला के पूछे, मेरे भैया कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो के उसके बाद क्या है a3 1/3। आपसे पूछे तो बताओ क्या बोलोगे, के की वैल्यू ना वही कॉन्स्टेंट होती है, 1/2 ही होगी और कुछ ना होगा। देख रहे हो ऐसे तहलका कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट ठोकूंगा ना सीधा पेपर में आपके, और जाके रुकोगे बोलोगे गुरुजी कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करोगे। तो के की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इतना आसान तरीके से, इतना कॉन्सेप्ट तरीके से कितना समझाओ, अब लास्ट मोमेंट में है, अगर जो मैथ्स में 90% से कम लाए, 90 नंबर से कम लाए, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना मेरे भाई। देखो हल्का उड़ा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 5 नंबर में आएगा सीधा ठोक बजा के आपकी। लिख लो मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड है तो सारा, मगर ये सबसे हल्का वाला क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है ना क्योंकि एनडीए में कितनी बार, एयरफोर्स में कितनी बार, और आपके एग्जाम में सीधा पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। तो इधर आओ देखो, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की भैया, 5 को थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बच्चों को ना हिला देता है, याद रखना। ये 5 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन लॉन्ग में पूछे जाएंगे। देखो इसको कैसे टैकल करोगे, sin π cos x, ठीक है ना, sin π cos x और cos π sin x है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करो, टफ है तो क्या हुआ, हम भी इसको बनाएंगे रफ। देखो यहाँ पे, अब देखो साइन है ना, अब π cos x है, हाँ गुरु जी ये तो है। अगर कॉस को चेंज करोगे ना साइन में, कॉस को चेंज करोगे ना साइन में, साइन में, तो क्या हो जाएगा, π/2 - π sin x, इतना तो हो जाएगा ना। हाँ गुरु जी बिल्कुल हो जाएगा, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, तो कर लेंगे, तो हो गया भाई। अब इससे इसको काट सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल सर, π cos x और उधर क्या है, π sin x, हाँ गुरु जी इतना समझ में आ गया, इज इक्वल टू π/2, बिल्कुल इतना तो हमें आता है। तो देखो sin x + cos x इज ब्रैकेट में, पाई को कॉमन ले लिया, π/2। अब हमें काट पीट करने का मन कर रहा है, मैंने काट दिया, अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर आपका बच गया 1/2। अब 1/2 यहाँ तक तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझे हो जाएगी तकलीफ यहाँ पर, क्योंकि मेहनत करना आपके वश में ही है, मेहनत करना आपके वश में ही है और कुछ आपके वश में ना है। तो देखो अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर लो ना, स्क्वायर कर लोगे गुरुजी, स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि आपको साइन किसकी, sin 2x की वैल्यू पूछ रखी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, एक एक स्टेप लेके चल रहा हूं, sin² x + cos² x + x + 2 sin x × cos x इज इक्वल टू 1/4 हो गया। अब ये 1 हो गई प्लस, ये 2 sin x को लिख सकते हैं sin 2x, बिल्कुल फॉर्मूला याद करो, यहां पर लिख देता हूं, देखो यहां पर लिख देता हूं, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x × cos x, रट लो दिमाग में, छाप लो सीधा, इज इक्वल टू 1/4। तो आपका क्या हो जाएगा, sin 2x इज इक्वल टू 1/4 - 1, तो sin 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/4। 3/4 जो भी ऑप्शन है उसको टिक मारोगे, -3/4 हो गया क्वेश्चन। गुरुजी सारे क्वेश्चन को ठोक बजा दी पूरे अच्छे तरीके से, क्वेश्चन भी ये है, आंसर भी ये है, सारे क्वेश्चन को उड़ा दिया है, तो हल्के तरीके से पूरे फुल तहलका स्टाइल पढ़ाऊंगा सीधा, टेंशन ना लो। और तेरे अगर भाई ने ठान लिया ना तो तेरे को नंबर दिलवा के रहेगा और तगड़े तरीके से पढ़ाएगा, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं। अभी भी वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, 1 महीना
लगातार मेहनत करो और मेरे साथ जुड़े रहो, आप जरूर अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल हथौड़ा मार के ठोक दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेहनत करने की जिद है और जरूर जीतेंगे हम।